यहाँ पर 1 जनवरी की सुबह का टाइम है, मैं नहा करके पापा जी के पैर छूने आई थी, यानी कि उनका आशीर्वाद लेने आई थी। मैं अपने नए साल की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से कर रही हूँ। यहाँ पर पापा जी के और इनके पैर छूने के बाद में मैं आ गई थी कान्हा जी को स्नान कराने, और गर्म पानी होने के लिए रख गई थी क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो कान्हा जी को भी सर्दी लगती है, तो उनके मैं गर्म पानी से स्नान करा रही थी। और उनके कपड़े स्नान कराने के बाद में कपड़े मैंने नीचे बैठ करके करा रही थी क्योंकि मंदिर हमारा काफ़ी ऊँचा है तो खड़े होकर के सारा काम करने में नहीं आता, तो मैंने उनके कपड़े वगैरह सब अपनी गोद में रख लिए थे जो भी मुझे पहनाने थे, तो वही मैं नहलाने के बाद में उन्हें कपड़े वगैरह पहना रही थी। मैंने कहा फिर मैं उसके बाद में चाय वगैरह बनाऊंगी, पूजा कर लूँ। और देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी भी नहा चुके हैं और उनके वस्त्र भी चेंज कर दिए मैंने, और फिर इसके बाद में मैं करूँगी पूजा। और यहाँ पर सुबह की जल्दी की पूजा होती है मेरी, तो मैं ज़्यादा मंत्र वगैरह जो मुझे आते हैं थोड़े बहुत वही पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा आरती वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी नया साल सबको मुबारक हो और सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। यानी मैंने अपने नए साल की शुरुआत कर ली है अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के और अपने भगवान का। और आप सब लोग बताना कि आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे बनाया कमेंट करके। तो चलिए अब मैं नाश्ता वगैरह बनाने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है सबको उठे हुए, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 हो रहे हैं। यहाँ पर न्यू ईयर को मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो ये मटर पनीर लेने गए थे, उतनी देर में मैंने उसकी सब्जी की सारी तैयारी कर ली थी, प्याज अदरक वगैरह सब पीस लिया था मैंने। इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था तब तक जो प्याज लहसुन मैंने पीस करके रखा था उसमें जो बेसिक मसाले होते वो मैंने ऐड कर लिए थे, और कढ़ाई में ऑयल गरम होने के बाद में थोड़ी सी हींग और जीरा डाल दिया था। जीरा भुनने के बाद में जो मैंने प्याज लहसुन के पेस्ट में मैंने जो मसाले बेसिक मसाले ऐड करके डाले थे वो डाल दिए, और वो भुन जाने के बाद में जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी मैंने वो मिला दूँगी। और टमाटर की प्यूरी वगैरह सब अच्छे से भुनने के बाद में मैंने 1 चम्मच दही डाला था, फ्रेश दही, यानी आपके पास अगर मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे ना ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें भुनने के बाद में मैंने मटर डाल दी थी, और मटर यहाँ पे मैंने कच्ची वाली मटर ली है, जो फ्रोजन मटर है वो यूज़ नहीं की। मटर को मैंने 2-3 मिनट के लिए ढक करके रख दिया था मटर डाल करके उसे पकने के बाद में, बाद में इसमें मैंने पनीर ऐड किया था। उधर मटर पनीर बन रही थी तब तक मैं इधर पुलाव की तैयारी कर रही थी क्योंकि पुलाव के लिए मैंने चावल पहले से भिगो कर रख दिए थे, तो वही यहाँ पे मैंने कहा ला दूसरी गैस पे पुलाव बनते रहेंगे। और उधर देखिए मेरी मटर पनीर भी बन गई है, और लास्ट में मैंने मटर पनीर में कसूरी मेथी डाली थी क्योंकि कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर पनीर में, और कसूरी मेथी के साथ में मैंने फिर लास्ट में हरे धनिया डाले थे। और यहाँ पर मैं पुलाव बनने रख दिए थे मैंने, लेकिन पुलाव में मटर डालना भूल गई, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने बाद में डाली थी। और यहां पर मैं दही का रायता बना रही थी, तो रायते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, मैंने इसमें बूंदी वगैरह नहीं डाली थी, केवल मट्ठा बना करके उसमें जो मसाले होते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला और काला नमक, यही सब चीज़ें डाली थी जो बेसिक होती हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे पुलाव बन करके तैयार हो गए हैं। पुलाव बनने के बाद में मैं आटा वगैरह पहले से लगा के रख दिया था पूड़ियों का, मैं सोच रही थी सभी लोग पूड़ियाँ खा लेंगे, लेकिन जब आटा लगा लिया मैंने पूड़ियों का तो फिर ये बोले पापा जी के लिए रोटियां सेक देना क्योंकि उन्हें उन पूड़ियाँ नुकसान करती हैं। हाँ ये प्लेट मैंने बच्चों की लगाई, बच्चों को पूड़ी देने जा रही, वैसे मैं पूड़ी बनाती, पापा जी के लिए रोटी सेकूँगी, 1-2 पूड़ियाँ और बना दो बस, क्योंकि बच्चे भूखे हो गए हैं। चलो 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 देने कपड़े में चलो। हाँ रुको रुको पहले एक प्लेट देके आती हूँ, ये
आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, मैं आपसे पूछना भूल गई। ये देखो यहाँ पे हमारे रुद्र का डांस कितना खुश हो रहा है कि आज केक आ गया घर पे। हैप्पी न्यू ईयर, काटो रुद्र, अब आप काटो। काटो हैप्पी न्यू ईयर रुद्र। और यहाँ पर मैं केक कट कर रही थी सबको देने के लिए, तो मैं गाना गुनगुनाने लग गई थी ये वीडियो, और मुझे पता नहीं थी ये वीडियो बना रहे हैं मेरे। दोनों भी रखे, दो दोनों भी जाओ, दोनों आ प्रांजल। वो बड़ा वाला कहाँ गया तुम्हारा भाई? वो घर पे। चल बाबा को देख के आओ। बाबा खिलाया तो आपने, है नहीं काट कट करके खिलाते ना पहले। तो ये हमारा छोटा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, जो कि बच्चों की जिद के आगे हमें केक मंगाना पड़ गया। केक मंगाने का कोई आया कोई वो नहीं था कि केक मंगाएंगे, मगर बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ गया। बस बस बस, बस मैं काटती हूँ। लीजिए आप लोग भी आकर के केक खा लीजिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। तुम खा लो, खिला खिला खिला। खा लो, तुम खा लो। तो ये देखो हमारा रुद्र भी सोया नहीं है, जग रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो ये हाथ सेक रहे हैं इससे, क्योंकि मैं बर्तन साफ करके आई हूँ अभी, तो मेरे हाथों में सर्दी लग रही है, हाथों में क्या पूरी सर्दी लग रही है, तो मैं आ करके हाथ सेकने लग गई बर्तन साफ करने के बाद में। और आज हमारे यहाँ पड़ोस में मंदिर है, तो उसमें जागरण हो रहा है, तो इस वजह से ये लाउड स्पीकर का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा मेरी वीडियो में। और मैं आज आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाई हूँ, वीडियो में ज़्यादा बोल ही नहीं हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला पूरे दिन। और आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने न्यू ईयर पे केक कट किया था। केक कट करने का कोई विचार नहीं था सुबह से, बस दोपहर से बच्चे बोलने लगे कि मम्मी आज बर्थडे है। अब बच्चों क्या बोले कि बर्थडे है कि, तो फिर बताया न्यू ईयर कि क्या होता है, तो कि केक कट होता है और ऐसे सेलिब्रेशन होता है। तो जब से बच्चे लग के रह गए कि केक मंगाओ मम्मी, कट करेंगे हम सब लोग, कट करेंगे केक मंगाओ, फिर बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ गया और इनके पापा जा करके केक ले आए, करके सेलिब्रेशन किया जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा सेलिब्रेशन कैसा लगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे मनाया। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी, कल फिर मिलती हूँ। और अगर आपको वीडियो होता और कहना चाह रही, जब तक मैं आप लोगों से बात करती तब तक आप जा करके लाइक कर दिया करिए। लाइक में कुछ नहीं करना है, केवल जो अंगूठे का निशान है आपको उसको दबाना है और बस लाइक हो जाता है। लाइक करने में क्या आप इतना टाइम लगाते हो, और डेली डेली मुझे बोलना पड़ता है आप लोगों से, तो प्लीज़ वीडियो को देख करके एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।